एक परिवर्तन मैंने देखा और ये टर्निंग पॉइंट की शुरुआत। क्या परिवर्तन? यद्यपि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे शहर में आने के बाद भी, लेकिन अब मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। नाउ माई ग्रैंड मदर, अब मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने नहीं जाती थी। यहाँ जब भी मैं माँ शब्द का उपयोग करूँ, उसे समझ लीजिए कि मैं दादी माँ की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड मदर की बात कर रहा हूँ, जिसे प्यार से बहुत से परिवारों में माँ ही कहा जाता है। और विशेषकर तब जब खुद की माँ ना हो तो दादी माँ को माँ बोल देते हैं। द सेम हियर। सो दिस चाइल्ड इज नॉट बीइंग ड्रॉप्ड बाय ग्रैंड मदर टू द स्कूल नाउ, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सम चेंजेस, बिग चेंजेस। क्यों नहीं छोड़ा गया? अब दादी माँ ने छोड़ना क्यों बंद कर दिया बच्चे को? क्योंकि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। अब मैं अंग्रेजी स्कूल में मोटर बस में जाने लगा, बस में जाने लगा। जब बस में जाने की बात होगी तो माँ स्कूल तक कैसे छोड़ेगी? क्योंकि बस में केवल विद्यार्थी बैठ सकता है, टीचर्स बैठ सकते हैं, बाकी कोई नहीं। सो इट वॉज नेचुरल दैट ग्रैंड मदर वुड नॉट गो टू ड्रॉप हिम टू द स्कूल। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। और एक दूसरा चेंज क्या आया कि अब मदर नहीं जा रही हैं और शहर में आ गए हैं तो सड़कों पे कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे जिनको माँ खिलाती थी। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ हर सिटी हाउस। मीन्स वॉट? माई मदर, माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट गोइंग टू ड्रॉप मी टू स्कूल नाउ बिकॉज आई वॉज गोइंग बाय बस। The street dogs were also not there now because we were in the city now. And so my mother, who used to feed the dogs through stale chapatis, now she started feeding sparrows. Sparrow kya hota hai? Wo choti chidiya, jise Hindi mein goraiya kehte hain. To goraiya ko ab unhone feed karna shuru kiya, unke liye daane dena shuru kiya. To yani किसी जानवर को, किसी को खिलाने की जो आदत थी गांव की, वो यहाँ भी बनाई रखी। अब कुत्तों के बदले, क्योंकि कुत्ते नहीं थे, उसके बदले चिड़िया को उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। स्पैरो मीन्स गोरैया और कोर्ट यार्ड यानी बालकनी। कोर्ट यार्ड मीन्स बालकनी। सो शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, As the years rolled by, अब कुछ नई बात बताना चाह रहा है ग्रैंडसन। यहाँ तक तो उसने शहर में आने का विवरण और एक कमरे में हम रहते थे, वी लिव्ड इन वन रूम, माई मदर वुड नॉट गो नाउ, माई मदर वुड स्टार्ट फीडिंग द स्पैरोज इंस्टेड ऑफ डॉग्स नाउ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेज। As the years rolled by, जैसे जैसे समय गुजरता गया, rolled by मतलब समय का गुजरना, जैसे जैसे समय गुजरता गया, we saw less of each other। अब हम धीरे धीरे एक दूसरे को कम देखने लगे। समय के साथ साथ ये बदलाव की बात grandson कर रहा है। The grandson says, as the time passed by, as more and more we grew, me and mother, grandmother were meeting less now. For some time she continued to wake me up. Kuch dinon tak grandmother mujhe uthati rahi. Aapko yaad hai ki wo gaon mein bhi use uthati thi, use uthati rahi. Aur uske saath hi मुझे तैयार भी करती रही, लेकिन कुछ समय तक। फॉर सम टाइम ओनली शी वुड वेक मी अप। टू वेक अप मतलब उठाना, ए वेक अप कॉल। सो मदर, ग्रैंड मदर कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। शी रेडीड मी, कंटिन्यूड टू रेडी मी फॉर द स्कूल। ये तो कुछ दिनों तक और चला। व्हेन आई केम बैक She would ask me what the teacher had taught. जब मैं वापस आता था स्कूल से तो माँ ये भी पूछती थी, ग्रैंड मदर हमारी दादी माँ, कि आज क्या पढ़ाया।
ये कुछ समय तक चला। और क्या होता था, जब दादी माँ पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया, व्हाट द टीचर्स हैव टॉट यू टुडे, तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं कहता था अंग्रेजी वर्ड पढ़ाए, एंड लिटिल थिंग्स लाइक वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड अराउंड अस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो व्हेन माय मदर ग्रैंड मदर वुड आस्क मी what all you learned today, what all you were taught by your teacher, after I would come back from the school, I would say, Mama, Dadi Ma, I was taught English words, I was taught Archimedes principle, I was also taught something like law of gravity. Law of gravity kya hai? Law of gravity, dharti khichti hai har cheez ko. Gravitational force, gurutvakarshan shakti. गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखेंगे, हम लोग बहुत कॉमन गलती करते हैं, एक कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपाल, ये दो की स्पेलिंग में गलत करते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है पी आर आई एन सी आई पी एल ई, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, उसूल। यू आर ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, तुम एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हो। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज का सिद्धांत। और स्कूल और कॉलेज में जो प्राचार्य होते हैं, जो आपके प्राचार्य भी रहे होंगे कुछ लोग, उसका स्पेलिंग क्या है, वहाँ प्राचार्य को अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन उसकी स्पेलिंग जो है वो है पी आर आई एन सी आई पी ए एल। तो प्लीज़ रिमेंबर the difference between two. P-A-L is for Pracharya and P-L-E is for Siddhant. और साथ में मैं माँ को बताऊँगा कि दुनिया में आसपास क्या हो रहा है, कैसा हुआ है इसके बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। This made her unhappy. मैं इतने उत्साह से सब बताता था कि आज मुझे ये पढ़ाया और अच्छे अच्छे रोचक विषय, तो मेरी माँ खुश नहीं होती थी, नाखुश हो जाती थी। She could not help me with my lessons. अब वो मुझे पढ़ाने में मदद भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि दादी माँ थी, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड अराउंड अस, इंग्लिश वर्ड, ये सब तो उनके लिए कठिन बात थी ना। सो ऑब्वियसली नेचुरली शी स्टार्टेड डिस्टेंसिंग हर सेल्फ फ्रॉम हर ग्रैंड सन। डिस्टेंसिंग, एक तरीके से दोनों के बीच में थोड़ी दूरियाँ बढ़ने लगी, क्योंकि अब ग्रैंड सन को ग्रैंड मदर पढ़ा भी नहीं सकती थी, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसे थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस, वो बड़ी नाराज इस बात से थी कि तुम्हारे स्कूल में देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर, कि तुम्हारे स्कूल में धार्मिक पुस्तकों के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। एक्चुअली वो रोज जब पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया है, तो शायद ये सुनने के लिए पूछती थी कि आज मैं उनको कहूँ कि आज मुझे भगवान के बारे में बताया, धार्मिक पुस्तकों के बारे में, गीता, बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब या ऐसी कुछ पुस्तक के बारे में बताया। पर ऐसा कुछ नहीं होता था स्कूल में, और जो बातें मुझे पढ़ाई जाती थी वो मेरी दादी माँ के गले नहीं उतरती थी, वो नाखुश रहती थी, नाराज़ हो जाती थी। सो दिस मेड हर अनहैप्पी एंड डिस्टर्ब्ड ऑल्सो, उससे परेशान भी होने लगे। परेशान क्यों होंगे, डिस्टर्ब मतलब परेशान, परेशान इसलिए कि मेरे ये ग्रैंड सन को धार्मिक पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं भी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, उसके पास भी समय नहीं है, धार्मिक पढ़ाई से, धार्मिक जीवन से वो दूर कट रहा है। तो वो थोड़ा सा परेशान होने लगी थी, डिस्टर्ब। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उनके अनुसार संगीत जो है वो बड़े बेगारी लोगों का विषय है, संगीत से भिखारियों का नाता रहता है, संगीत से एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलट एंड बेगर्स। हैरलट मतलब क्या होता है, हैरलट मतलब वैश्या, एच ए आर एल ओ टी, ये वैश्या और बेगर भिखारी। उनके अनुसार वो मेरी जो दादी माँ थी, इतने पुराने विचारों वाली थी कि उनके अनुसार संगीत का मतलब होता था, अरे ये उनका विषय है जो वैश्या और हैरलट और बेगर्स लोग का विषय होता है, भिखारी लोग गाते हैं।
वैश्या लोग नाचते हैं उस पर. सो शी वॉज वेरी अनहैप्पी, वेरी डिस्टर्ब. सो शी वॉज डिस्टर्ब बिकॉज सन वॉज नाउ गोइंग टू इंग्लिश स्कूल. शी वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब बिकॉज सन वॉज नॉट एबल टू गिव दैट मच टाइम. ग्रैंड सन वॉज नॉट एबल टू गिव दैट मच टाइम. कॉन्टैक्ट वॉज लेस. शी वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब बिकॉज ग्रैंड मदर फेल्ट ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग रिगार्डिंग रिलीजन. एंड शी वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब बिकॉज ही इज लर्निंग समथिंग विच इज बैड सब्जेक्ट लाइक म्यूजिक. बींग ए ओल्ड थॉट वूमन शी हैड दोज आइडियाज. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलट एंड बेगर. ये जो संगीत वगैरह है इस पर तो इन लोगों का एकाधिकार रहता है ऐसे लोगों का. और ये एक सभ्य लोगों का विषय नहीं है संगीत आदि, ऐसा मेरी ग्रैंड मदर का मानना था. इसलिए भी वो नाराज रहती थी. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. कहती कुछ नहीं थी, कहा उन्होंने कुछ नहीं. संगीत और अंग्रेजी और धर्म की किताबें ना पढ़ने को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस वॉज वेरी क्लियर. लेकिन चुप रहने से काफ़ी हो गया, हम समझ गए कि वो इससे नाखुश हैं, डिसअप्रूव किया है. अप्रूव का उल्टा डिसअप्रूव. डिस लगाने से ठीक उल्टा अर्थ हो जाता है अंग्रेजी में बहुत से शब्दों में. सो यहाँ डिसअप्रूव कर रही थी, मतलब वो उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, अच्छा नहीं मान रही थी, उचित नहीं मान रही थी. और अपने विरोध को उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, अपनी नाराजगी उन्होंने बताई नहीं, अपने तक ही रखी. लेकिन नाराज थी ये उनकी भाव भंगिमा से दिखता था. दैट वॉट ग्रैंड सन वुड से. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. और बाद में समय के साथ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने बात करना ही बहुत कम कर दिया. रेयरली मतलब बहुत कम. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट. एंड दैट इज़ वॉट इज़ द टर्निंग पॉइंट. कि कैसे शहर आने के बाद ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच के संबंध कैसे बदलते चले गए. इसीलिए बदलाहट, ये बदलाव की शुरुआत जब हुई वो टर्निंग पॉइंट कहलाया. और नाउ द रिलेशंस आर नॉट वेरी क्लोज. सो एज आई सेड दैट माई मदर वुड रेयरली टॉक टू मी. अब बहुत कम बातें करने लगी. फॉर मैनी रीजन्स आई हैव डिस्क्राइब दम. नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ माई रिलेशन विथ माई मदर, माई एसोसिएशन विथ माई मदर. आई गो टू यूनिवर्सिटी नाउ. देखिए हाउ द स्टोरी गोज. वेन आई वॉज इन ए विलेज आई हैव डिस्क्राइब हाउ आई फेल्ट अबाउट माई ग्रैंड मदर. आई हैव ऑल्सो डिस्क्राइब how my grandmother used to treat me. She used to narrate me stories and all those things, scriptures and you know, prophets, fables and so on. Fable means kahaniya. So, and then comes the next stage when I would grow up and my mother would take me to school. She would go to temple and all. Then the next stage, we come to city. We continue to be friends, we continue to live in a room, but this change was a very important time. In the city, from school now, I plan to go to university. When I went to a university, I was given a room of my own. अभी तक मैं दादी माँ के साथ अपने घर के एक कमरे में रहता था जहाँ मेरे परिवार के दूसरे सदस्य भी रहते थे, लेकिन एक कमरे में मैं और दादी माँ थे. और अब नाउ दैट आई गो टू यूनिवर्सिटी आई एम गिवन ए रूम ऑफ माय ओन. मुझे अपने स्वयं के लिए एक कमरा दिया गया. एंड विच मीन्स आई शिफ्टेड टू दैट रूम इन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ छात्रावास में रहना ज़रूरी था. सो आई शिफ्टेड टू दैट रूम एंड then the common link of friendship was snapped. Snap means टूट जाना. जो हमारे बीच में common link था, संबंध था, जो धागा था, संबंधों का धागा, एक कमरे में रहने का, वो अब टूट गया. It was snapped. My grandmother
accepted her seclusion with resignation. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Means what? To accept means स्वीकार करना. Seclusion मतलब एकांतवास. Seclude से बना है, S-E-C-L-U-D-E, seclude से बना है. Seclusion means एकांतवास. With resignation मतलब आपने resignation का अर्थ सुना है इस्तीफा देना. इस्तीफा, यहाँ resignation मतलब अनिच्छा. I accept your proposal with resignation. I take your food with resignation. I accept your order with resignation. मैं आपका आदेश अनिच्छा से स्वीकार करता हूँ. तो रेजिग्नेशन का अर्थ यहाँ क्या है? अनिच्छा. तो ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ के कमरे में रहने की बात को, इस घटना को मेरी दादी माँ ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन अनिच्छा से. इस एकांतवास को स्वीकार तो कर लिया लेकिन अनिच्छा से. कुल मिला के वो खुश नहीं थी. वैसे भी खुश नहीं थी पहले से, क्योंकि अब मुझे धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जा रही थीं, मुझे प्रेयर्स नहीं पढ़ाई जा रही थीं, आदि आदि. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. और जब मैं विश्वविद्यालय चला गया तब माँ, मेरी दादी माँ अब स्पिनिंग व्हील पे आ गई. स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा, चरखा जिससे सूत बनाया जाता है, उस सूत से बाद में कपड़े बनाए जाते हैं. तो उस चरखे पे मेरी माँ आ गई. अपना समय काटने के लिए उन्होंने चरखे का उपयोग शुरू किया. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. बहुत कम. रेयरली का अर्थ क्या होता है? रेयरली मतलब बहुत कम. आई रेयरली गो टू सिनेमा. मैं सिनेमा बहुत कम जाता हूँ. आई रेयरली मीट माई ब्रदर. मैं अपने भाई से बहुत कम मिलता हूँ. एट्सेट्रा. सो शी वुड रेयरली टॉक टू एनी वन. अब वो बहुत कम बात करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील. टू सिट बाय मतलब, टू सिट माने बैठना, और टू सिट बाय मतलब के बाजू में बैठना. सनराइज मतलब सूर्योदय, सनसेट मतलब सूर्यास्त. सेट माने बैठना. सनसेट सूरज के सूर्योदय से सूरज के सूर्यास्त होते तक मेरी ग्रैंड मदर व्हील के, स्पिनिंग व्हील, चरखा के बाजू में बैठी रहती थी. कितनी कहानी बदल गई. आई मीन कितनी स्थितियां बदल गई. अब दादी माँ अकेली हो गई बेचारी, और उस एकांतवास के समय को काटने के लिए क्या करने लगी? अब वो उन्होंने चरखे का सहारा लिया. एंड शी वुड सिट बाय दैट एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. और चरखा चलाते हुए वो रिसाइट करती थी. टू रिसाइट मतलब जोर जोर से पाठ करना, जोर जोर से बोलना. रिसाइट ए पोयम, रिसाइट ए सॉन्ग मतलब जोर जोर से उसको बोलना. तो शी वुड रिसाइट प्रेयर्स. और वो बोलते रहती थी चरखा चलाते चलाते. अपने को व्यस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ बुदबुदाते रहती थी, कुछ प्रार्थना बुदबुदाते रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल विथ स्पैरोज टू फीड हर. केवल दोपहर में वो कुछ समय के लिए रिलैक्स होती थी, यानी स्पिनिंग व्हील से हट जाती थी. स्पिनिंग व्हील में बैठने की मुद्रा में थोड़ा बदलाव करती थी. और जो स्पैरोज थे, आपको मैंने पहले ही बताया कि नाउ डॉग्स वेयर नॉट देयर, सो द स्टेल चपाती वॉज नॉट देयर. शी हैड कम टू सिटी एंड इन द सिटी इंस्टेड ऑफ डॉग्स नाउ शी वुड फीड स्पैरोज. अब वो स्पैरो को, गौरैया को खिलाने लगी. तो अपना कुछ समय चरखा काटने से निकाल कर वे अब स्पैरो को खिलाने लगी और ज्यादा. सो इन अदर वर्ड शी वुड नॉट टॉक टू एनी वन. शी वुड रिसाइट प्रेयर, यूज चरखा. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड स्पैरोज वाइल शी सैट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स. छोटे छोटे टुकड़े में
रोटी को तोड़ने के लिए जब वो वरंडा में बैठती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, गोरैया एंड फ्यू अदर काइंड ऑल्सो वुड कम डाउन. दे विल गैदर राउंड हर. उसके चारों तरफ भीड़ लगा देते थे गोरैया. और दादी माँ क्या करती थी, बड़े आराम से तसल्ली से वरंडा में बैठ जाती थी, रोटी को तोड़ना शुरू करती थी, चपाती को, और उसके साथ ही चिड़ियों की चहचहाट, उनका झुंड वहाँ पे. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग. चिड़िया की आवाज़ को क्या कहते हैं, चर्प. द बर्ड इज चर्पिंग. टू चर्प मतलब चहचहाना. स्पेलिंग देखिए, CHIRP. चर्प माने चहचहाना. चिड़िया चहचहाती रहती थी. और बेडलाम, बेडलाम मतलब कोहराम. यानी वो जो 100-200 चिड़िया आ जाती थी, वो कोहराम मचा देती थी, खूब उछल कूद करती थी, एक दूसरे से टकराती थी, एक दूसरे से लड़ती थी. दादी माँ के पास आकर जो 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 ब्रेड के जो बिट्स थे, जो टुकड़े थे, बिट्स माने टुकड़े, बाइट नहीं है ये, बिट्स है, बिट्स माने टुकड़े, उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए, अपने मुंह में लेने के लिए, वो एक तरीके से कोहराम मच गया. सो बेडलाम मीन्स कोहराम, और चर्प मतलब चहचहाना. तो चिड़ियों का शोरगुल, चिड़ियों की भीड़, चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों का उछल कूद करना एक तरीके से कोहराम का दृश्य पैदा करता था. सो ए वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कई चिड़िया आती थी और उनके पैर पे बैठ जाती थी. PERCH, पर्च मैंने उसके ऊपर बैठ जाना. लुक, ए बर्ड इज पर्च्ड ऑन द रूफ टॉप. जो छत के किनारा है उस पर जो बैठ जाए, तब पर्चिंग. द बर्ड इज पर्चिंग ऑन द रूफ टॉप. सो सम केम एंड पर्च्ड ऑन द लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. सम इवन सैट ऑन हर हेड. She smiled, but never shooed them away. Shoo away मतलब भगा देना. Dog आता है और हम dog को भगाते हैं, जाओ जाओ भागो, तो इसका अर्थ क्या हुआ, I shooed away the dog. SHOOED. Don't shoo away the dog. I am bringing chapati for it. कुत्ते को मत भगाओ, मैं उसके लिए रोटी ला रहा हूँ. So to shoo away the dog. तो सम इवन सैट ऑन हर हेड, मतलब चिड़ियों की तो ये हालत थी कि वो पैर में बैठ जाएं, शोल्डर में बैठ जाएं, सिर में भी बैठ जाएं, और उसके साथ ही साथ चारों तरफ कोहराम मचाएं, चहचहाएं, चिल्लाएं. लेकिन बट माय दादी माँ वुड नेवर शू देम अवे. शी वुड जस्ट स्माइल. बेचारी दादी माँ जो अकेली हो गई थी, अब चिड़िया की संगत ही उनको मिल रही थी. वो मुस्करा देती थी उनकी चिड़ियों की हलचलों को देखकर, चिड़ियों की हलचल को देखकर मुस्करा देती थी और भगाती नहीं थी. इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ डे फॉर हर. ये जो समय रहता था जब वह गोरैया चिड़ियों के साथ उनको खिलाती थी, दाना पानी देती थी, ऐसा लगता है कि शायद ये उनके सबसे आनंदमय क्षण होते थे, सबसे आनंदमय घंटा होता था, जब दादी अपने को पूर्ण रूप से चिड़ियों को खिलाने में व्यस्त हो जाती थी. ऐसा ग्रैंडसन का कहना है.